क्या है? ओ वो बारिश आएगी, मैंने सोचा वो मैं वो कपड़े लेके वो कपड़े थे ना जो मैंने यहाँ पे रखे थे वो मैं लेके ले ले जा ले नहीं वो कुछ नहीं है नहीं सच में आप गलत यही चाहती हो ना तुम विक्रम प्लीज विक्रम लग तो मुझे पहले ही गया था देखा था मैंने उसे नीचे खड़ा था उसी के साथ रहती हो ना पूरा दिन कितनी घटिया सोच है तुम्हारी विक्रम मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता मुझे अपनी बेटी के लिए एक माँ चाहिए बस एक अच्छे चरित्र वाली माँ हाँ मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था हाँ बोलो तुम रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं कुछ औरतें जो रोती हुई अच्छी लगती हैं पर तुम उनमें से नहीं हो अच्छा कौन है वो औरतें जरा मैं भी सुनूं जहन्नुम में जाओगे तुम तुम्हारे लिए तो मैं जहन्नुम में भी जाने को तैयार हूँ मेरी जान ओहो अब तो विक्रम को हकीकत बतानी ही पड़ेगी उसे लगता है कि मेरा चक्कर चल रहा है तो क्या गलत लगता है उसे कभी ठीक है जय जय मत जाओ प्लीज जय वापस आ जाओ अभी तो मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है तो बोलो क्या चाहिए तुम्हें तुम्हें जो भी चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं एक धुन एक धुन मिल गई है क्या धुन कौन मर गया धुन मिल गई है ओह शी इज गॉट अ ट्यून कम लेट्स जैम ऑडिशंस पे इतने सारे कंटेस्ट अब तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे हम जीत गए क्या बात है लुक सी अरे वाह कांग्रेचुलेशंस अब क्या होगा अब तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे और उसके बाद एक बड़ा सा रॉक कॉन्सर्ट होगा इंटरनेशनल स्टारडम रोलिंग स्टोन अरे बाबा कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट सुन रही हैं आप भाई तुम लोग तो बड़े स्टार बन गए हमें मत भूलियो हम ट्राई करेंगे मिसेस कपूर अरे जा डिड यू लाइक द फर्स्ट पार्ट क्योंकि मुझे नहीं समझ में आया मुझे चेंज करें ना आई गॉट इट गॉट ट्राई डिड यू लाइक इट द वोकल्स वर प्रीटी गुड हां ओ हाय विक्रम हाउ आर यू विक्रम हम लोग अभी बैठकर बातें कर रहे थे कि जो चलो चलो ओके बाय ये कंबक्त हारमोनियम हमेशा मेरे रास्ते में आता है तो फिर लाइट चला लीजिए विक्रम एक मिनट देखो पहली बार ही फेल हुई है सब ठीक हो जाएगा पता है पहली बार हुई है पर शुरुआत तो हो गई
किसकी वजह से हुआ ये सब? मैं पूछ रहा हूँ किसकी वजह से हुआ ये सब? जिसकी माँ पूरा दिन बाहर मटर गस्ती करती फिरती हो, उसकी बेटी फेल नहीं होगी तो और क्या? पर मैं घर के काम छोड़कर थोड़ी ना जाती हूँ। प्रिया को होमवर्क कराती हूँ, रात में खाना भी उसके साथ ही खाती हूँ, और फिर उसको सुलाने के बाद ही जाती हूँ, और वो भी अपने काम से। आज तुम्हें मुझे बताना होगा, और जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं तुम यहाँ से हिलोगी नहीं। क्या बताना होगा? जब तक तुम अपने मुंह से कबूल नहीं करोगी कि तुम्हारा उसके साथ चक्कर चल रहा है, मैं तुम्हें इस कुर्सी से उठने नहीं दूंगा। तुम पागल हो गए हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो अपनी बीवी की इज्जत करता है, उसका ख्याल रखता है, वही असल में पागल होता है। और बीवी पहले तो घर संभालना छोड़ देती है, फिर अपने पति को। तुम्हें हो क्या गया है विक्रम? तुम वो विक्रम नहीं रहे। हाँ मैं बदल गया हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया कि मेरी बर्बादी की वजह तुम हो। ये क्या कह रहे हो? कौन सी परेशानी खाई जा रही है? ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मेरा प्रॉब्लम सिर्फ तुम हो, तुम्हारे जैसी। मैंने तुमसे शादी क्यों की? छोड़ दो। मैं देखता हूं तुम कब तक अंदर बंद रहती हो, कभी तो बाहर आओगी ना। एक वफादार पति के साथ इतनी बेवफाई। तुम्हें मजाक लग रहा है? क्रोध हो मत मेरी जान, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। कल तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। कैसे खुश रहो? अपने घर में फेल होकर बाहर पास होने में कैसे खुशी? कहीं तो पास हुई ना। तुम्हारा मतलब है मैं फेल हो गई हूँ? यानी अब तुम्हें सच्चाई दिखने लगी और उसी को तुम फेल होना समझ रही हो। मैं अपनी शादी को टूटते हुए नहीं देख सकती, वही मेरे लिए सब कुछ है, और मैं प्रिया को उसके बाप से जुदा नहीं कर सकती। तुम्हारा भी तो कोई वजूद है, उसे तलाशो, उसी में उनकी भी भलाई है। मैं पानी बंद कर देती हूँ। रहने भी तो। हमें सब मंजूर है, पर एक प्रॉब्लम है। क्या है? मेरे ख्याल से माया मैडम ने पहले से ही रोहित चोपड़ा के यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है। तुमने तो बताया ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट तो साइन किया है, साथ में पैसे भी दिए हैं उसको। ओह गॉड माया। सॉरी, जब तक ये मामला नहीं सुलझता हम कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते। मुझे क्या पता था, मैंने उसे अच्छा आदमी समझा था। तुम उससे एक बार बात करके क्यों नहीं देखती? नहीं नहीं, इसकी बस की बात नहीं है, बात करेंगे हम। अली, हम क्यों बात करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट इसने साइन किया, she should talk to him. No, she shouldn't. Yeah, she's already messed it up. But हम क्यों बात करें? नहीं नहीं, हम hang on, should... hang on. Excuse me. Why can't she talk to him? Maya, Maya, अरे वापस आना। कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाएगा। इससे बुरा भी कुछ हो सकता है, घर परिवार तो गया हाथ से, और ऊपर से ये भी। एक कॉन्ट्रैक्ट ही तो हाथ से गया है, तो क्या हुआ, कुछ और कर लेना। सड़कों पे प्लास्टिक के डब्बे बेच लेना।
जले पर नमक छिड़क रहे हो। पहले तो दिमाग को शांत करो, हाथ पैर फुलाने से कुछ नहीं होगा, आगे की सोचो। पुलिस में रिपोर्ट कर दूं? इससे कुछ नहीं होगा। तो जाकर उसके पैर पकड़ लो। उससे कुछ हो सकता है, कमीना तो वो है। जे तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं करते हो कभी भी। देखना आखिर मैं ही तुम्हारे काम आऊंगा। अजीब इत्तेफाक है, देखो किस्मत ने फिर से तुम्हें मेरे दरवाजे पे लाके खड़ा कर दिया है। देखिए माया एक सीधी सादी औरत है, ऑल ऑफ दिस इज न्यू टू हर। पर ये बच्ची तो है नहीं। हाँ, पर तुम कमीने जरूर हो। है जी, कमाल हो। प्लीज आप इसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। देखिए मैं आपसे बिनती करती हूं। देखो बिनती शिंती करके कोई फायदा है नहीं। तुम एक काम करो, तुम मुझे अपना मैनेजर रख लो। अरे तुम जो कुछ भी कमाओगी उसका एक छोटा सा हिस्सा मुझे दे देना। सॉरी एक और गलती। लो जी कमाल हो गया। हाय माया। व्हाट इज इट दैट यू वांट? तुम चाहती क्या हो? पता है सिर इसने ही माया का गाना चुराया। इतनी सेक्सी लड़की को गाना चुराने की क्या जरूरत है? तुम खुद ही एक गाना हो। देखो मुझे लगता था रोहित मुझसे प्यार करता है। राइट। मुझे क्या मालूम था कि वो हर दूसरी औरत से प्यार करता है। पता है एक बार क्या हुआ? नहीं प्लीज और कुछ मत बताना। देखो मुझे मालूम है उसने कॉन्ट्रैक्ट के कागज कहाँ रखे हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि उन कागजों को लो और फाड़ डालो। चुरा कर कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दें। इट्स अ ग्रेट आइडिया राइट। पर पहले माया से पूछना पड़ेगा क्योंकि गाना तो माया का है। राइट। ग्रेट आइडिया। तो चले कहाँ? चोरी करने। किसी ने पहचान लिया तो? चुपके चुपके रस्सी से चढ़ के खिड़की में से कमरे में घुस के अलमारी से सामान चुरा लो और किसी को पता नहीं चलेगा। क्या कह रहे हो? अब इतनी दूर आई गई हो तो वापस जाने का क्या फायदा? वो भी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए। पर ये गलत है, गैर कानूनी है। रोहित ने जो किया वो कानूनी था, बिल्कुल गैर कानूनी था। गैर कानूनी का बदला गैर कानूनी। रोहित जैसे कमीने आदमी के साथ कमीनापन बहुत जरूरी है, क्योंकि घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उसे टेढ़ा कर लेना चाहिए। ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? तुम नहीं समझोगे। चलो चलो चलते हैं, चलो निकलो चलो। विक्रम आ गया तो मैं संभालूंगी। जाओ जाओ। हाय रीना। हाय 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 माया। माया एक मिनट, इसको साथ ले जाना ठीक होगा क्या? ये हमेशा कुछ गड़बड़ करती है ना। हाँ? माया तुम गाड़ी में बैठो। क्यों? रोहित आएगा ना तो हमें जोर से आवाज देना। हाँ ओके। हाँ जोर से। तुम गाड़ी में बैठो एंड डोंट कम आउट। होनी चाहिए। नहीं एक जगह है पास में, चलवा चलते हैं। नहीं नहीं मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो मुझे जान से मार डालेंगे। माय गॉड मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि तुम शादीशुदा हो। आजकल वो भी भूल जाती है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू 98.8 एफएम। मैं उल्टा पुल्टा विपिन आपका स्वागत करता हूँ। बैंडिट कॉन्टेस्ट की विनर है इंस्पिरेशन।
सुना है कि इस बैंड की लीड सिंगर एक हाउसवाइफ है, एक हाउसवाइफ टर्न रॉकस्टार, क्या बात है। बस बस अब रगड़ाई शुरू कर दो, सिर्फ 15 दिन बचे। Very fond of you. आखिर मार ली बाजी। यकीन ही नहीं होता। तुम्हारी हकीकत और तुम्हारे सपने में सिर्फ 2 कदम का फासला रह गया। हाँ, पर अब हमारा क्या होगा? इतना सा पाने के बाद मैं तुम्हें खो तो नहीं दूंगी। ऐसी हमेशा की तरह तुम आते रहोगे ना मेरे पास? शायद। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। कुछ चीजें अमर होती हैं माया, ना वो खत्म होती हैं, ना ही खोती हैं। और मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। तुम्हारा मतलब तुम असलियत में आ सकते हो? बिल्कुल, अगर तुम दिल से चाहो तो कुछ भी हो सकता है। और तुम तो ये बात जानती हो, एक एक करके तुम्हारे सब सपने सच हो गए ना। हाँ, ये हो ही नहीं सकता। वो इतना जल्दी कैसे आ सकते हैं? कौन है वो? मेरे डैडी, जो कभी जल्दी नहीं आते। That was awesome. लाजवाब। Hey Vikram, what's up? Hi, आज आप इतनी जल्दी आ गए? तुमने मुझे धोखा दिया है। ये सब दिखावा छोड़ दो विक्रम, मुझे सब कुछ पता है। क्या पता है? कि तुम्हारा चक्कर चल रहा है। खबरदार जो मुझ पर हाथ उठाया, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं जा रहा हूं। कहां कहां जा रहे हो? मैं नहीं जाने दूंगी, बिना कुछ बात कहे सुने मैं नहीं जाने दूंगी। हट जाओ सामने से। प्राउड है, चल के दिखाते हैं उसको। अरे अरे विक्रम, आजकल बड़े बिजी है, दिखाई नहीं देते। हाँ, आजकल काम कुछ ज्यादा है। कैसे हैं आप लोग? क्या बताऊं बेटा, मैं तो तंग आ चुका हूँ, कोई किराएदार ही नहीं मिलता। देखो ना, तुम्हारे बीवी का फोटो छपा है मैगजीन में, बड़े भाग्यशाली हो। इसमें कौन सी बड़ी बात है? माँ, आज हमारी स्कूल में सारी टीचर्स ने आपकी फोटो देखी थी। आपकी वजह से सारा स्कूल मुझे जानने लगा है। अब दूसरी फोटो कब छपेगी? पता नहीं, कॉन्सर्ट में भी तो खींची जाएगी ना? पता नहीं, पर मुझे पता है कि खींची जाएगी। खुश? नहीं, बेहद दुखी। स्माइल प्लीज। छोड़ दूंगी मैं सब कुछ। हाँ, छोड़ दूंगी और कहीं दूर चले जाऊंगी। बस मत करो ये बातें। अरे हर कदम पर हार की तरफ दौड़ोगी तो जीत चाहकर भी तुम्हारे पास नहीं आएगी। तुम्हारी किस्मत तुम्हारा इंतजार कर रही है, मत ठुकराओ उसे, नहीं तो सारी जिंदगी अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। छोड़ दो ये कमजोरी और अपना लो अपने ख्वाबों को, और उसके बीच में किसी को मत आने दो, न विक्रम को, न इस दुनिया को, न अपनी सोच को, और ना ही मुझे।
मुझे। पर तुम तो मेरी जान हो, मुझे पता है तुम मेरे रास्ते में कभी नहीं आओगे। मैं तुम्हें से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, सचमुच। आप